नमस्कार दर्शकों, मैं अक्षा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग सुपर फास्ट में। तो आइए देखते हैं सुबह की कुछ खास और कुछ हल्की फुल्की खबरें। रिया ने ही सुशांत को ड्रग्स दी थी, एनसीबी की चार्जशीट में रिया, उनके भाई शोविक आरोपी, अगर दोषी हुए तो 10 साल तक की होगी जेल। सुशांत सिंह डेथ केस में बुधवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल की है। एनसीबी ने कहा है कि रिया ने सुशांत को ड्रग्स दी थी। चार्जशीट में रिया के भाई शोविक समेत 35 लोगों को आरोपी बताया गया है। इस केस की स्पेशल कोर्ट में 27 जुलाई को सुनवाई होनी है। अगर रिया दोषी पाई जाती है तो उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई जा सकती है। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी उनके मुंबई स्थित घर में मिली थी। सुशांत की फैमिली ने रिया और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद रिया चक्रवर्ती, उनके भाई समेत कई लोग जांच के दायरे में आए। इस मामले में ड्रग्स एंगल आने के बाद एनसीबी ने जांच शुरू की थी। एनसीबी ने कहा कि सभी आरोपियों ने मार्च 2020 और दिसंबर 2020 के बीच एक साजिश रची, जिसमें वह हाई सोसाइटी और बॉलीवुड में ड्रग्स का इस्तेमाल कर सके और उसे बेच सके। आरोपियों ने मुंबई रीजन में ड्रग्स तस्करी को फाइनेंस किया और गांजा, चरस, कोकीन और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन किया। उनके पास ना तो कोई वैलिडिंग परमिट था और ना ही किसी प्रकार का कोई लाइसेंस। सभी पर NDPS एक्ट धारा 27A, अवैध ट्रैफिकिंग और अपराधियों को शरण देना, 28 यानी अपराध का प्रयास करना और 29 यानी आपराधिक साजिश को उकसाना के तहत केस दर्ज किया गया है। एनसीबी ने बताया कि रिया चक्रवर्ती ने आरोपी सैमुअल मिरांडा, भाई शोविक, दीपेश सावंत और अन्य आरोपियों से गांजा लिया था। रिया ने इसे दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचाया था। एक्ट्रेस ने इसकी पेमेंट मार्च और सितंबर 2020 के बीच की थी। इसी के साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि रिया का भाई शोविक ड्रग्स पेडरर्स के संपर्क में था और उनसे कई बार गांजा और चरस लिया करता था। वनडे मैच में बुमराह का कोहराम। इंग्लैंड की टीम ने ओवल में मंगलवार को खेले गए वनडे मैच में बुमराह का कोहराम झेला। 19 रन देकर 6 विकेट ले गए बुमराह, करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस। उन्होंने इस मैच में 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा। इस रिकॉर्ड की चर्चा आगे करेंगे, पहले उसे वकाए के बारे में जानते हैं जब टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने पहली बार उनका नाम सुना था। बुमराह ने वनडे में प्रति ओवर सिर्फ 4.63 रन दिए हैं। सिर्फ कपिल देव की इकोनॉमी उनसे बेहतर है, लेकिन गौर करने वाली बात है कि जब कपिल खेलते थे तब बल्लेबाजी उतनी आक्रामक नहीं होती थी जितनी आज होती है। T20 इंटरनेशनल में भी बुमराह प्रति ओवर 7 से कम रन देते हैं। T20 इंटरनेशनल में उनकी इकोनॉमी 6.46 की है। 65 से ज्यादा विकेट लेने वाले किसी भी फास्ट बॉलर की इकोनॉमी बुमराह से बेहतर नहीं है। बुमराह के आगमन से पहले टीम इंडिया को घर का शेर कहा जाता था। विदेश में टीम की हालत खराब हो जाती थी, बुमराह ने विदेश में विकेटों के झड़ी लगा दी। उन्हें मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा सहित कई अन्य तेज गेंदबाजों का भी अच्छा साथ मिला। अब भारतीय टीम विदेश में खेलती है तो लगभग हर मैच में जीत की दावेदारी हासिल करती है। विदेश में बुमराह के कारनामे का अंदाजा जुलाई 2018 से अब तक के प्रदर्शन से भी लगाया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर विदेश के 60 मैचों में 158 विकेट लिए है। दुनिया का कोई भी अन्य गेंदबाज अपने देश के बाहर इस दौरान इतने विकेट नहीं ले पाया। पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी दूसरे स्थान पर है। उन्होंने इस दौरान विदेश में 71 मैचों में 151 विकेट लिए हैं। अक्टूबर, नवंबर और ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। अगले साल भारत में वनडे वर्ल्ड कप होगा। भारत को अगर इन टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करना है तो बुमराह को बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी। गुजरात का यह फास्ट बॉलर इसके लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है, लिहाजा आने वाले महीने में बुमराह से और भी कई बुम बुम टाइप परफॉर्मेंस की उम्मीद लगाई जा सकती है। राजपेक्ष के मालदीव भागने से भड़का लोगों का गुस्सा, हजारों प्रदर्शनकारियों का संसद की तरफ मार्च।
आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष देश छोड़कर मालदीव भाग गए हैं। राजपक्ष के देश छोड़ने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया है। राजधानी कोलंबो की सड़कों पर प्रदर्शनकारी जमकर उत्पात कर रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग संसद भवन की तरफ मार्च कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री आवास की भी घेराव कर लिया गया है। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प हुई है। इस वजह से पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है। वहीं दो गुट भी आपस में भिड़ गए, जिससे 12 लोग घायल हो गए। दूसरी तरफ सेना अपने नागरिकों के सामने हथियार नीचे कर दिए हैं। वहीं राष्ट्रपति राजपक्ष ने विरोध के 139 दिन बाद अपना इस्तीफा भी दे दिया है। श्रीलंका एयरफोर्स मीडिया डायरेक्टर ने कहा कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष, फर्स्ट लेडी और दो बॉडीगार्ड्स को मालदीव जाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने इमिग्रेशन, कस्टम और बाकी कानूनी कार्रवाई को लेकर पूरी अनुमति दी गई थी। 13 जुलाई की सुबह उन्होंने एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट उपलब्ध कराया गया था। गोटाबा 8 जुलाई के बाद से कोलंबो में नहीं दिख रहे थे। फिर मंगलवार यानी 12 जुलाई को नौसेना की जहाज से भगाने की फिराक में थे, लेकिन पोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने पासपोर्ट पर सील लगाने के लिए वीआईपी सुइट में जाने से इनकार कर दिया था। राजपक्ष ने जोर दिया था कि देश भर में चल रहे विरोध की वजह से दूसरी सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अफसर नहीं माने। तो आज की गुड मॉर्निंग सुपरफास्ट को यही विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय। देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।